हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बेटर इंडियन। दोस्तों फिर से हाजिर हूं मैं एक नई वीडियो के साथ, जिस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों, क्या आप कोई गेमिंग एयरफोन परचेस करने वाले हैं एंड क्या आप सोच रहे हैं कोई अच्छा सा गेमिंग एयरफोन आप खरीदना चाहते हैं, आपका बजट भी काफ़ी अच्छा है, इन्फॉर्मेशन भी ठीक है कि हाँ भाई मेरे को गेमिंग के लिए ही परचेस करना है, बट आप कंफ्यूज हैं कि आपको वायर एयरफोन परचेस करना चाहिए या वायरलेस एयरफोन आपको परचेस करना चाहिए। हाँ दोस्तों, बहुत से टाइम पे बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं यार वायर वाला बेस्ट रहेगा या आज की जो टेक्निकल है, जो टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, तो वायरलेस एयरफोन परचेस करने का बेनिफिट रहेगा एज ए गेमिंग के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, दोनों अपनी जगह पे ठीक है, बट मैं आपको बताने वाला हूँ बेस्ट कौन सा होने वाला है, या अगर आप गेमिंग अच्छी तरह से करना चाहते हैं, आप अच्छा एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं गेमिंग के अंदर, तो आपको कौन सा एयरफोन परचेस करना चाहिए, वायर वाला लेना चाहिए या फिर वायरलेस एयरफोन आपको परचेस करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे मैं बजट की बात नहीं कर रहा हूँ, बजट भी एक बार आपको अगर हम मानते हैं तो अराउंड फोर मैं 2500 रुपीज़ का यहाँ पे बजट लेके चलता हूँ कि इस बजट में चाहे आप एक नॉर्मल सा एयरफोन आप परचेस कर रहे हो या जिसे हम लीड कहते हैं, या फिर हेडफोन कह रहे हो, या फिर आप ये लगा लीजिए, मतलब एक चीज़ जो ब्लूटूथ से चलती है और दूसरी चीज़ जो वायर से चलती है, तो इसमें कंफ्यूज हैं आपको कौन सा परचेस करना चाहिए। यहाँ पे मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ, बस मैं यहाँ पे ये आपको बताना चाहता हूँ कि आपको वायर वाला लेना चाहिए या फिर वायरलेस लेना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं वायर एयरफोन की, तो वायर पेन नॉर्मल से होते हैं दोस्तों, उसके स्पीकर वगैरह पे, उसके ड्राइव वगैरह पे निर्भर करता है कि वो आपको साउंड क्वालिटी किस तरह का देगा, अच्छी कंपनी है या नहीं है। एंड जो वायरलेस है दोस्तों, उसके भी स्पीकर पे निर्भर रहना पड़ता है, बट उसके अलावा आपका फ़ोन अच्छा होना चाहिए, ब्लूटूथ जो वर्जन है आपका, वाईफाई जो वर्जन है उसका वर्जन अच्छा खासा होना चाहिए जब जाके आप उसे परचेस करते हैं। बट अगर वायर एयरफोन लेते हैं तो उसमें आपको ब्लूटूथ वर्जन नहीं देखना, आपके वायर जो फ़ोन की वाईफाई की कनेक्टिंग है वो आपको चेक नहीं करना, नॉर्मली आपको जैक चेक करना है, हाँ भाई 3.5 का जैक है या जो भी अदर जैक होता है वो आपको फ़ोन में कनेक्ट करना है और आप उसे यूज कर सकते हो। बट अगर आप वायरलेस एयरफोन परचेस करते हैं तो उसमें आपको आपके फ़ोन की कैपेसिटी देखनी पड़ती है, अगर आपके फ़ोन की कैपेसिटी ठीक है यानी कि अच्छा खासा ब्लूटूथ वर्जन आपके फ़ोन में है तो अच्छी खासी कनेक्टिंग या आपके फ़ोन से कनेक्ट जो होता है वो ठीक हो जाएगा, तो आपको गेमिंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा मिल सकता है। बट अगर पर्सनली मैं अगर बोलूँ, अपना नंबर एक ही बात करते हैं दोस्तों, हम बात करते हैं सबसे पहले वायर एयरफोन की। नॉर्मल से वायर एयरफोन होते हैं उसके अंदर आपको दो स्पीकर आपको मिलेगा, एक माइक कंट्रोल आपको देखने के लिए मिल जाएगा, एंड मतलब बेसिक सा होता है, उसके अंदर वायर वगैरह होता है, अगर आप कहीं यूज करते हैं तो आप नॉर्मली अपने फ़ोन से कनेक्ट करेंगे और आप इसे यूज कर लोगे। साउंड क्वालिटी और क्या उसका अच्छा बिल्ड क्वालिटी वो कंपनी पर निर्भर करता है, वो आपके बजट पर निर्भर करता है कि क्या है क्या नहीं है। एंड वहीं बात करते हैं वायरलेस की, तो वायरलेस में नॉर्मली दोस्तों क्या होता है कि आपने फ़ोन ऑन करा, ब्लूटूथ वर्जन चालू करा, आपके डिवाइस से कनेक्ट हो गया। अगर आपका फ़ोन अच्छा लेवल पर है यानी कि आपके फ़ोन का जो ब्लूटूथ वर्जन है वो काफ़ी अच्छा है, एक आप तो यूज करते हो तो दूसरा आप आपके पॉकेट में है, कोई वायर की झंझट नहीं, एक स्टाइलिश लुक आपको देखने के लिए मिल जाता है, बट ऐसा जब गेमिंग के लिए आप जाते हो तो दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग आपको वायर एयरफोन आपको परचेज करना चाहिए, चाहे वो वायर एयरफोन हो या वायर हेडफोन हो। मैक्सिमम यूट्यूबरों को आप वायर एयरफोन के थ्रू ही आप गेम प्ले करते हुए देखोगे, चाहे वो श्रीमान लेजेंड है या फिर स्काउट है या कोई अदर आप ले लेते हो, डायनोमो ले सकते हो या मोटर ले सकते हो, ये ओनली फॉर ये गेमिंग के लिए ये वायर वाले एयरफोन ही ज़्यादा यूज करते हैं। ब्लूटूथ वर्जन ये बहुत ना के बराबर यूज करते हैं, क्योंकि उसमें जो साउंड क्वालिटी है दोस्तों हल्का फुल्का, चाहे वो मिली सेकेंड का क्यों ना हो, वो आपको डिले सुनाई देता है दोस्तों। अगर आपकी बैटरी लो है, अगर आप ब्लूटूथ वर्जन में जाते हैं, अगर आपकी बैटरी लो है गेम खेलते समय, तो आपको साउंड क्वालिटी को देख के आपको प्रॉब्लम आने वाली है। अगर आपका ब्लूटूथ वर्जन लो है दोस्तों तो भी आपको प्रॉब्लम आने वाली है। अगर आपका गेम लैग कर रहा है तो भी आपको, नेट स्लो है तो भी आपको प्रॉब्लम आने वाली है। तो अकॉर्डिंग टू मी दोस्तों, अगर आप कोई ऐसा एयरफोन परचेस करने की सोच रहे हैं जो आपकी गेमिंग के एक्सपीरियंस को 4 गुना बढ़ा दे, तो आपको दोस्तों वायर एयरफोन आपको परचेस करना चाहिए, जो आपके वायर से कनेक्ट लेता है, क्योंकि इसमें आपका 1 सेकंड भी आपका साउंड डिले नहीं होता है, डायरेक्टली आपके फ़ोन जैक से लेके आपके कानों में उसका वॉइस आपको साउंड सुनाई देने वाला है, आपका साउंड क्वालिटी काफ़ी बेहतर हो सकता है, गेमिंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा हो सकता है एज अ ब्लूटूथ के अकॉर्डिंग यानी कि वायरलेस के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मैं
आपको बताना चाह रहा था कि आपको वायर एयरफोन परचेज करना चाहिए या वायरलेस। तो अकॉर्डिंग टू मी दोस्तों, आपको वायरलेस एयरफोन आपको परचेस नहीं करना है, चाहे वो TWS हो या फिर नेकबैंड हो या फिर आपके जो एयरपोर्ट होते हैं वो आपको नहीं परचेस करना है। आपको वायर एयरफोन लेना है, जैसे कि आप मी कंपनी का आप देख सकते हो या फिर बोट कंपनी का ले सकते हो। बहुत सारी कंपनी दोस्तों, कुछ कंपनी के लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। बाकी आपके ऊपर बात है दोस्तों, एज आप गेमिंग के लिए लेना चाहते हैं तो आप वायर एयरफोन ही परचेस कीजिए, एंड अगर आप एज बस खाली लुक के लिए दिखाना चाहते हैं, शोबाजी के लिए आप परचेस करना चाहते हैं तो आप वायरलेस ले सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सब मिला के दोस्तों इतना ही इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।